तो फैमिली तो देख सकते हैं, मैं बेटा कितना रात में भी जगा हुआ है और बोल रहे ब्लॉगिंग में तो हंस रहा है, पर इतना नटखट हो गया मैं लड्डू बिल्कुल पूरा लड्डू गोपाल की तरह है। फ्रेंड मेरा बेटा इतना ज़्यादा फूक मार रहा है और यहाँ पे सामने में मेरे बेटा का नाश्ता करा रही थी, तो नाश्ता उसका हो चुका था, बस उसको हम स्माइल करा रहे थे, इतना ज़्यादा हंस रहा था। और यहाँ पर मैं उससे बैलून अभी छीन लूँगी और उसके बाद उसका रोना देखे, इतना ज़ोर ज़ोर रोएगा, इतना ज़ोर ज़ोर रोएगा और इतना ज़्यादा उसका गुस्सा देखिए, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि भाग रहा देखे रो रो करके। और यहाँ पे अभी हम बोल रहे कि बाय बाय बेटू, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अभी हम गेट को लॉक किए थे। अगर देखिएगा कैसे रोने लगे, या देखिए इतना जो जो रो रहा है, अभी भी बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया, उसको बाहर लेके चल। फैमिली वेलकम टू माई चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मैं आपका वहाँ से बस ठीक हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। फ्रेंड और अभी शाम के समय हो रहे हैं कि 4:15 रहा, और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छत पर आ करके। मैं सोचू कि चलो मैं आप लोगों का ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और जो मेरा काम है छत पर वो भी कर लेती हूँ। तो आते साथ यहाँ पर देख रहे थे फ्रेंड, पूरा कपड़ा लड्डू को उड़ कर रखा हुआ है। अभी सब कपड़े सब एक जगह समेटेंगे और ये कपड़े से सब नीचे लेके जाएंगे। कपड़ा तो सब हम धो दिए, लड्डू का जितना भी कपड़ा था फ्रेंड सब कपड़ा हम धो दिए, क्योंकि इतना सारा कपड़ा हो गया था ना। खांसी तो ठीक है नहीं, और अपना इतना दवाई खाने के बाद जो तो भी चला क्या खांसी है। छत ऊपर आया ना फ्रेंड, इतना ज़्यादा थक का मतलब थक गया जैसा लग रहा फ्रेंड, पूरा बदन न थर थराने लग रहा है, अंदर से पूरा कमज़ोर हो गया हम। गाइस इस बार यूट्यूब से पेमेंट आएगा ना फ्रेंड, तो पहले हम जाकर डॉक्टर साहब से अपना शरीर का इलाज करा लेंगे। हमको जैसा कि लग रहा ना कि मेरा शरीर से ना मतलब ब्लड कम हो गया, हम कैसे लग रहा है, तो हमको शायद हो सकता है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा और फिर साथ में पानी, वायरस पानी बोलते ना कि पानी, क्या पानी बोलते उसको भूल जाते, तो वो भी साथ में हम सोच रहे कि चढ़ा लेंगे। हमको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा, बट पता नहीं कि कमी हुआ है कि नहीं हुआ, भगवान जाने। अगर हुआ वो कभी तो चढ़ाइए नहीं है ऐसे। हाँ केस मतलब पैसा से मिलता है ब्लड खोजने से, तो हो सके मिल जाए तो चढ़ा लेंगे ऐसे ब्लड। इसलिए आप लोग बने रहे ब्लॉग पे। अभी हम कपड़े से उठा कर जाते नीचे, और पूजा दीदी का भी बुखार हो गया सेम जैसे मेरे को हुआ था ना, वैसे सेम पूजा दीदी का भी हो गया। पूजा दीदी को सर दर्द कर रहा है, बदन हाथ दर्द कर रहा है, फिर बुखार हो गया दीदी का। अभी मेडिसिन लेकर आई थी तो दीदी का मतलब बुखार ठीक हो गया, लेकिन सर जो ना सर को इतना ज़्यादा मतलब दर्द से पकड़ा हुआ है कि मतलब मेडिसिन भी काम नहीं आ रहा था। हम दीदी को बोले कि मालिश करने वाला तेल होता है ना नरवतन तेल, वो दीजिए मतलब आपका मसाज कर देंगे तो थोड़ा ठीक भी लगेगा। तो जीजा भी बोले कि मसाज कर देंगे दीदी का, तो ठीक है। फिर आप लोग बनी थी यार, मौसम बहुत खूबसूरत है, अच्छा है। चलिए आप लोग दिखाते हैं। तो फ्रेंड कितना सारा कपड़े यहाँ पे गिरा हुआ लड्डू का, अभी सब कपड़े सब उठा करके ले जाएंगे इतना, अरे यार घर ले जाएंगे। तो चलिए उठाते फटाफट कपड़ा सब। और आज का मौसम देखिएगा इस उस तरफ पूरा बादल किया हुआ है, क्योंकि इधर बादल बादल किया हुआ बारिश करने वाला, इधर इतना सुंदर प्यारा सा धूप निकला है, इतना खूबसूरत लग रहा धूप है कि नहीं गाइस बताइए। और उधर भी ठीक है मौसम, बट इधर बादल क्या है मतलब इधर से बारिश आने वाला है इधर से। तो इसलिए बने रहे हम जितना लड्डू का कपड़ा सब उठाते, किधर किधर गिर गया बच्चे का मेरा कपड़ा। तो छत ऊपर से कपड़ा पूरा ला करके हम रख दिए मतलब पूजाला रूम में, और समेटे भी नहीं कपड़े से, अभी समेटेंगे जा करके। और तब तक देख सकते लड्डू भी उड़ गया सो करके, सो को उठ कर तो काफ़ी देरी हो चुका है, और वो अभी बैलून से खेल रहा है। अभी देखिएगा हम इसको कैसे गुस्सा दिलाएंगे, अभी गुस्सा से कैसे रोएगा देखिएगा ना फ्रेंड। अभी मजे से खेल रहा है बैलून में, देखिए कैसे खेल रहा है, देखिए इसको अभी रेडी करेंगे। और अभी हम जाकर फटाफट नहा लेंगे फ्रेंड, 2-3 मग को झेल लेंगे पानी, आपके तो 2-3 दिन से कपड़ा यही वाला पहने हुआ था, अभी हम ये कपड़ा को भी खोलेंगे। और दीदी लोग की ना बात कर रहे थे, इसलिए आप लोग दिखाते हैं, आप लोग बने रहे कंटिन्यू में ब्लॉग में, ठीक है गाइस। मैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बच्चा को रुलाने वाली हूँ, अभी इतना अच्छा से खेल रहा है। ये क्या है बेटू, ये बैलून किसका है? दो दो, मेरा है, नहीं देंगे नहीं देंगे, जा हट, नहीं देंगे जा,
गुस्सा गया ला, ले मेरा बेटू को, देखो ले लिया ना, ला, दो 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 ना दो मेरा है दो 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 देखो गुस्सा देख के इसका गुस्सा देख रहा है ले बेटू हल्ला ले सोना बक ले गुस्सा इसका देख रहा कैसा गुस्सा हो रहा ले बेटा ले सोना ले ना लड्डू को ले सॉरी सॉरी मम्मा सॉरी बेटू ले ले ना गो देखे फ्रेंड कितना गुस्सा अभी से इतना छोटा बच्चा है गुस्सा देखे इसका इतना गुस्सा भर कर रखा है दो दो बेटू नहीं देगा हम जा रहे बाहर घूमने बाय बाय देख लिया मेरे बेटा को कि कैसे रोता है गुस्सा करता है इतना छोटा बच्चा हो करके तो अभी हम लोग शाम का झाड़ू उड़ू करते हैं और उसके बाद बर्तन थोड़ा सा धो धा लेते हैं और उसके बाद लड्डू के लिए भी सूजी कनी आटा का हलवा बना देंगे उसका हलवा खिला देंगे अभी और पीयू चल गई ट्यूशन उस ट्यूशन में आने में उसको 7:30 से 7 बज जाएगा आने में तो अभी हम जा रहे बाहर अभी देखिएगा इसका रोना देख रहा है हमने भुट्टा जला के खाया था इतना सारा भुट्टा लाया था जीजा जी यहाँ पे रखा हुआ देखिए इतना सारा भुट्टा कौन कौन भुट्टा खाते कमेंट करिएगा और देखिए ले रहा है अभी जा रहे हम जा रहे लड्डू बाय बाय टाटा बाय 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 हम जा रहे बाय जाना है तुमको बाहर बाहर जाना है चलो ठीक है ले जाएंगे चलो चलो बाहर ले जाएंगे चलो क्या बोल रहे तो गाइस देखे मेरा बेटा आ गया गोदी में इसको बाहर घूमने का इतना शौक चढ़ा इतना नशा है इसको बाहर घूमना कि क्या बोले गाइस ये इतना बाहर घूमने वाला बच्चा है क्या है सॉरी ठीक है बाहर घुमाएंगे चलो बाहर घुमाएंगे लड्डू को बाहर घूमना है अभी बारिश कर रहा था थोड़ा थोड़ा पानी गिरा टिक टिक देखिए जस्ट थोड़ा थोड़ा पानी गिरा है देखिए गाइस स्कूटी में भींगा है उधर में भी भींगा है चलो आप लोग बने रहिए बारिश का फिर जोश आने वाला है मौसम गजरने वाला है बारिश आएगी स्पीड से दीदी लड्डू को लेकर आ गया घुमाने के लिए वो घर में रहना बिल्कुल भी नहीं खुशता है और अभी हम आ चुके हैं घर का सामने वाला डब्बा स्कूल इसको बोलते हैं डब्बा स्कूल हम लोग यहाँ पे बाबू फुटबॉल खेलने आया है मैं भाई भी पहले खेल रहा था लेकिन मैं भाई तब चैवासा में तो खेलने तो आएगा नहीं उसका हो गया खेलना उसका कुछ नहीं हुआ होगा तो अभी बच्चे लोग बहुत सारे देख सकते यहाँ पर खेल रहे हैं अभी भी हम लोग बुलाने के लिए आए हैं इसका नाम है डब्बा स्कूल जो जो कदमा में रहता है उन लोगों को पता होगा कि डब्बा स्कूल किसको बोलता है क्या टाटा बरकत बरकस अच्छा टाटा बरकत स्कूल है वाला रोनीत हाँ बाबू जो इसका कपड़ा में लिखा हो रोनीत रोनीत अभी हमें जा रही है यहाँ पे अभी काम हो रहा है दीवार तोड़ के नया दीवार बना रहा है देखिए अभी यहाँ से हम भी घर में रह रहे बोरिंग हो रहा था हम बोले कि चलो थोड़ा हम भी राउंड मार के आया था घूम घाम कर कितना बीमार आदमी जैसे घूमकर मेरे कहते हो कर आए थे मैं फ़ोन में तो रिचार्ज भी नहीं था फ्रेंड किसका दिमाग चाट रही है फ़ोन करके अभी आता से नहीं खिलाते इसलिए अब हम बने रही है थोड़ा सा खेल लिया तो पता चल गया इसको दूसरा ड्राइवर भी जाना कल के दीदी बोली थी जैसे बनाने के लिए ऐसे मैं बनाने के लिए अभी किचन में लग चुकी है लड्डू के लिए और शाम का नाश्ता तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाली मैं रिफाइंड तेल को अच्छे से गर्म होने डाल रही मतलब होने छोड़ दिए कढ़ाई पे और यहाँ पर आटा भी ले चुके हैं और चीनी भी मेरे को तो इसमें नहीं दिख रहा फ्रेंड बस इसमें जो है क्या बोलते इसको मैं भुला गई नाम याद नहीं है आप लोग नाम याद कर बताइएगा तो अभी पानी भी नहीं आ रहा तो बच्चे लोग ढाल लेते तो चलिए गरम हो ही चुका है क्योंकि थोड़ा भाप आ रहा है गरम गरम
सोचे थे लड्डू के लिए हम जो है हलवा बना कर रेडी कर चुके हैं, बस इसको और थोड़ा सा पतला करेंगे, गाढ़ा हो और थोड़ा सा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ठंडा होने के बाद फिर लड्डू को खिला देंगे, नहीं तो उसका पेट भी भरा रहेगा और खेलेगा भी खूब ज़्यादा और परेशान भी नहीं करेगा पेट। तो हम पर जैसे पूजा दीदी बोली थोड़े सेम तुम्हें बनाई हो, बट अब खाने को पेंट और चलेगा कि टेस्ट उससे है क्या नहीं है पेंट। और उसके बाद खिला उला करके फिर लड्डू का भी फ्रेश करा देंगे पेंट, इसको अच्छे से रेडी करा देंगे। अभी यहाँ पे खेल रहा है, देखिए आइसक्रीम का डंडा के साथ खेला। दो बेटू दो सोना, आई डंडा मांगा था हम गोदी थोड़ी बोल रहे हैं, लो 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 लो। इसमें कुछ है नहीं बट वो फिर भी खा रहा पहले देखे मैं बेटा को। और फिर इसको हम बनाते अच्छे तरीके से, तो हम पतला रखते हैं बार बार चिपके ना बोल करके, और मैं लड्डू मुझे परेशान करने लग गया है। ये ठीक है, कल वैसे ही उतारे थे, मतलब बंद कर दिया था गैस को, तो घी डालते ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो अच्छा खुशबू आ रहा है यार, बच्चा का बनाने से मतलब अच्छा खुशबू आता है क्या बोलेगा। मेरे ख्याल से ये हो चुका है, इसको हम बंद कर देते चूल्हा को। आज वो एक कटोरी भी निकाल लेंगे, तो चलिए बंद करते हैं, अभी हम एक कटोरी भी निकाल लेते इसको। देखते हैं बेटा सूजी का हलवा इतना प्यार से खा चुका है, सूजी का नहीं मतलब आटा का हलवा खा लिया, और अभी खेल रहा गोदी पे। दो बेटा मम दो खाएंगे, दो 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 इतना गर्म मुँह जल गया, मुँह जल गया, दो दो मम करेंगे दो। देखा कैसा हंस रहा, देख रहे देखे दा करो नहीं खाएंगे वो गोमा। वो खिला रहा खाली चम्मच, और जो हंसेगा ना अभी हंसी उसको देखिए जाए दा। इसका हो चुका शाम का नाश्ता, बस इसको रेडी करना है, इसको हमें जो खाना है उसका हजम करा रहे हैं खिला के ला करके, मतलब इसको हम तेल उल मालिश करके कपड़े चेंज करा देते हैं, इसको बस फिर आप लोग बने गाइस। तो हम लोग का खाना है यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह से बिल्कुल भी खाना नहीं खाए थे, बस रोटी खाते थे, दीदी का तबीयत खराब था बोल करके, तो अभी दीदी फटाक से कुकर में खाना बना दिए और हम आलू वालू काट कर दीदी को दे दिए, तो दीदी आलू के बाद भुजिया बना ली, और दीदी अभी कुकर उसका चीखते कर उसका दीदी खाना खा रही है, अभी मैं भी खा रही हूँ, तो चलो अपने बने रही हूँ मेरे ब्लॉग पर। अभी खाना खाते हैं दाल भात आलू का भुजिया और अरवा चावल का खाना, वाह 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 मुझे ही आ जाएगा खाना। आप देख सकते टाइम कितना हो रहा है, देख लीजिए साढ़े रात का 12:30 बज रहा है, और अभी सबको सो गया है, खाना वाना हम लोग का ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बच्चा अभी तक जगा हुआ है और ये अभी फुल मस्ती में है, देखिए फुल मस्ती में है, ये पूरा दौड़ दौड़ के खेल रहा है, कभी इधर खेल रहा है कभी उधर खेल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, ये अपना नींद सब पूरा हो चुका, इसका नींद पूरा हो गया है और ये अभी खेल रहा है ना। हम सोए नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे ना, पूजा में हम लोग को मार मार के घर भगा देगा चैवासा, फिर सोते रहियो ठीक है। हाँ लड्डू इसका सर से इतना पसीना निकलता है फ्रेंड, इतना पसीना, और ये पंखा स्पीड से चल रही नहीं मेरी बात इस वजह से ना लड्डू, इस वजह से पंखा नहीं चल रहा है ना लड्डू। कुछ बोलना चाहते हो, क्या बोलना है बोल। आओ मेरी लड्डू बेटू सोना बेटी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, डेजी रखिए और आशीर्वाद ऐसे देते रहिए गाइस। ना लड्डू टाटा, और मेरे लड्डू का भी नटखट वाला शैतान वाला देखना चाहते हैं ब्लॉग, तो फटाफट चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी सागिरी को। इसका अच्छे से 2 बजेगा फ्रेंड्स होते सोते, तो चलिए अब लोग कंटिन्यू रहिए, बाय बाय गाइस।